गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इन लास्ट क्लास वी कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन मेथड एंड वी डूइंग टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। सो पॉलीमराइजेशन मेथड है वो टू टाइप्स का होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं होता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, एग्जिट होता है। टुडे वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए इस बेस में जो फर्स्ट पॉलीमर है वो है लीनियर पॉलीमर। इस बेस पे फर्स्ट पॉलीमर है लीनियर पॉलीमर। तो देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो है किसके बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे। तो यहां पे देखिए नेम से क्लियर है, यहां पे जो मोनोमर यूनिट्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, लीनियर। तो देखिए तो यहां पे जो मोनोमर यूनिट्स है इस पॉलीमर में वो क्या है, लीनियर शेप में अरेंज होगी। और ये जो लीनियर मोनोमर यूनिट्स है वो क्लोजली अरेंज होने का मतलब एक दूसरे के एकदम पास पास। ये इस टाइप से लीनियर शेप में एक दूसरे के पास पास क्लोजली क्या होगी, अरेंज होगी। तो इस टाइप से अपन इनके डायग्राम को शो कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट मोनोमर यूनिट्स आर इन लीनियर सेप में होगी और मोनोमर यूनिट्स है वो क्लोजली अरेंज मतलब एक दूसरे के एकदम पास पास। अब ये क्लोजली अरेंज होगी, एक दूसरे के एकदम पास पास होगी, इसका मीन इनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हाई होगा। अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा तभी एक दूसरे के क्या आएंगे, पास पास आएंगे। तो इस पॉलीमर में यूनिट्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, हाई होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा तो इस पॉलीमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, हाई होगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। अब यहां पे यूनिट्स है वो क्या है, क्लोजली अरेंज है, एक दूसरे के एकदम पास पास है और इनमें अट्रैक्शन फोर्स भी क्या है, हाई है। तो इस रीजन से इस पॉलीमर की जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, हाई होगी। तो स्ट्रक्चर के बेस पे जो फर्स्ट पॉलीमर है लीनियर पॉलीमर उसमें ये डायग्राम शो कर देना है और बता देना है मोनोमर यूनिट्स है वो लीनियर शेप में होंगी, क्लोजली अरेंज होगी, इनमें इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और डेंसिटी है वो भी क्या होगी, हाई होगी। तो ये इसके पॉइंट्स रहेंगे। अब देखिए एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है वो है हाई डेंसिटी पॉलीएथीन।
I से, H डेंसिटी से, D पॉली से, P एथीन से, E। तो पॉलीथीन है उसके टू टाइप्स होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो यहां पे देखिए लीनियर पॉलीमर में डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो इसके एग्जांपल में आ जाएगी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक स्टार्च इज ए पॉलीमर, स्टार्च एक पॉलीमर होता है, और स्टार्च की स्टार्च है वो किसका पॉलीमर होता है, मोनोमर यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च में मोनोमर यूनिट्स किसकी होती है, ग्लूकोज की। तो स्टार्च की स्ट्रक्चर में टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज अल्फा एमाइलेज पार्ट एंड सेकेंड इज एमाइलो पेक्टिन पार्ट। तो इसका स्टार्च का जो अल्फा एमाइलेज पार्ट है उसकी सेप होती है लीनियर। तो यहां पे जो अपन पॉलीमर कर रहे हैं उसकी सेप कैसी है, लीनियर। तो लीनियर पॉलीमर में आ जाएगा अल्फा एमाइलेज पार्ट ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के अल्फा एमाइलेज पार्ट की स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, लीनियर। एक अपन को पता है जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स की स्ट्रक्चर भी क्या होती है, लीनियर होती है। तो एक इसमें एग्जांपल आ जाएगा फाइबर्स का। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे फर्स्ट पॉलीमर हो गया लीनियर पॉलीमर। इसके थ्री एग्जांपल है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, अल्फा एमाइलेज पार्ट ऑफ स्टार्च एंड फाइबर्स। स्ट्रक्चर के बेस पे सेकंड पॉलीमर है ब्रांच पॉलीमर। अब देखिए ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा, जो मोनोमर यूनिट्स है उनसे क्या निकली होगी, ब्रांच निकली होगी। ये मोनोमर यूनिट्स हैं, इनसे यहां पे क्या निकली होंगी, ब्रांच। तो यहां पे जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो क्या होती है, ब्रांचेज होती है, इनसे ब्रांच निकली होती है। अब देखिए ये ब्रांच निकलने से क्या होगा, मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लीनियर में तो यूनिट्स है वो क्या थी, क्लोजली अटैच थी, लेकिन यहां पे ब्रांच निकलने से इनके बिटवीन डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन क्या होगी, हाई डिस्टेंस होगी, ये दूर दूर हो जाएंगे। तो यहां पे मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन क्या होगी, हाई डिस्टेंस होगी। अब इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, लो। अब अट्रैक्शन फोर्स लो हो जाएगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इनका क्या होगा, लो होगा, और इस पॉलीमर की जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, लो होगी। तो ये पॉइंट्स है किसके, ब्रांच पॉलीमर के। तो यहां पे ब्रांचेस निकलने से मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज होगी,
अट्रैक्शन फोर्स लो हो जाएगा, जिससे मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी वो भी लो हो जाएगी। इसके एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट एग्जांपल तो हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीएथीन। लो एल डेंसिटी डी पॉली पी एथीन ई। तो पॉलीथीन का जो पार्ट है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये आ जाएगा ब्रांच पॉलीमर, क्योंकि ब्रांच पॉलीमर है इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। अब अपन ने स्टार्च पॉलीमर के टू पार्ट्स बताए थे, फर्स्ट इज लीनियर अल्फा एमाइलेज एंड सेकंड इज ब्रांच एमाइलो पेक्टिन। तो इसका जो सेकंड पार्ट है एमाइलो पेक्टिन पार्ट ऑफ स्टार्च, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ब्रांच होती है, ये आ जाएगा किसमें, ब्रांच पॉलीमर। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे सेकंड पॉलीमर हो गया। स्ट्रक्चर के बेस पे थर्ड टाइप है क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। अब इस पॉलीमर पे क्या होगा, देखिए नेम से ही क्लियर है, यहां पे मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन क्या होंगे, क्रॉस बॉन्ड होंगे। क्रॉस बॉन्ड बिटवीन मोनोमर यूनिट्स, तो ये मोनोमर यूनिट्स हो गई और यहां मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन क्या होंगे, क्रॉस बॉन्ड होंगे। ये मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन क्या होंगे, क्रॉस बॉन्ड। अब देखिए ड्यू टू क्रॉस बॉन्ड क्रॉस बॉन्ड करेक्टर ऑफ इलास्टिसिटी इन दिस पॉलीमर इज वेरी हाई। क्रॉस बॉन्ड के रीजन से इस पॉलीमर में जो इलास्टिसिटी का जो करेक्टर है वो क्या होगा, वेरी हाई होगा। अब इलास्टिसिटी मीन्स अपन किसी पे आउटर फोर्स लगाए और वो क्या है कि बिना टूटे काफी क्या हो जाए, लेंथी, और जब अपन आउटर फोर्स को हटाए तो वो अपनी जो इनिशियल फेज है उसमें वापस आ जाए, पहले वाली स्टेज में वापस आ जाए। जैसे रबर, क्या रबर, रबर में क्या करते हैं, अपन आउटर फोर्स लगाते हैं तो वो बुना टूटे के लेंथी हो जाता है, और जब अपन आउटर फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। तो ये जो करेक्टर है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी। तो यहां पे क्रॉस बॉन्ड के रीजन से जो इलास्टिसिटी का करेक्टर है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। और ये इलास्टिसिटी का करेक्टर है वो मेनली किसमें होता है, रबर में। तो क्रॉस लिंकेज पॉलीमर के एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर का मीन क्या है, वल्केनाइज्ड रबर में मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन क्रॉस बॉन्ड ऑफ सल्फर,
वल्केनाइज्ड रबर में मोनोमर यूनिट्स के बीच में क्या होते हैं, सल्फर के क्रॉस बॉन्ड है वो प्रेजेंट होते हैं, और सल्फर के क्रॉस बॉन्ड प्रेजेंट होने के रीजन से वल्केनाइज्ड रबर में जो करेक्टर ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। अब रबर में इलास्टिसिटी के करेक्टर को इंक्रीज करने का मेथड क्या होता है, वल्केनाइजेशन। रबर में इलास्टिसिटी के करेक्टर को इंक्रीज करने का मेथड है उसको क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन। और वल्केनाइजेशन से, वल्केनाइजेशन में क्या होता है, रबर को हीट करते हैं विद सल्फर। अब रबर को सल्फर के साथ हीट करने से क्या होगा, रबर की जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनके बिटवीन सल्फर के क्रॉस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है वल्केनाइज्ड रबर के लिए। यहां पे देखिए यूनिट्स के बिटवीन सल्फर के क्रॉस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जिससे रबर में इलास्टिसिटी का करेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वल्केनाइजेशन मेथड से जो रबर ऑब्टेन होता है उसको क्या कहते हैं, वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं, जिसमें मोनोमर यूनिट्स के बिटवीन क्रॉस बॉन्ड ऑफ सल्फर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंकेज पॉलीमर इज बैकेलाइट। सेकंड एग्जांपल है बैकेलाइट। एंड थर्ड एग्जांपल इज मेलामेन। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर। तो क्रॉस लिंकेज पॉलीमर के थ्री एग्जांपल हैं, वल्केनाइज्ड रबर, बैकेलाइट एंड थर्ड इज मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन में पॉलीमर है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। तो इनके एग्जाम्पल्स है वो ध्यान में रखने, और जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।